गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल डिस्कस टू चैप्टर 10, दैट इज़ आई एम नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अ हेयर एंड अ डक वर गुड फ्रेंड, दे वॉक ऑल ओवर द टाउन टुगेदर। वन डे दे केम टू अ रेलवे ट्रैक, बट वेट, व्हाट अ स्ट्रेंज ट्रैक। एज दे लुक्ड अहेड, द ट्रैक सीम टू बिकम मोर एंड मोर नैरो। What has happened to the track? How will train run on it? They will fall off by the third tree, said the duck. The two friends begin to run along the track. They close the first tree and the second. They reach the third tree. To their surprise, the track looked just fine now. The two friends were puzzled. They stopped to think. Wait, said the duck. I remember reading somewhere that when two straight lines run side by side, they seem to meet at a distance. In truth, they do not meet. Oh, things are not always what they seem to be, grounded the tired hare. Okay? क्या होता है, एक हेयर और एक डक, यानी एक खरगोश और एक बत्तख, दोनों फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं, जो पूरे टाउन में वो घूमते हैं, पूरे टाउन में वो वॉक करते हैं। एक दिन क्या हो जाते हैं, वो वॉक करते करते एक रेलवे ट्रैक पे चले जाते हैं, और जब वो रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो वो बहुत स्ट्रेंज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसा ट्रैक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नैरो हैं। ठीक है, ये जो लंबी लंबी होती हैं, ये वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा नैरो है, सो कैसे इसमें ट्रेन चलती होगी। तो बत्तख कहती है कि चलो हम लोग खुद देखते हैं। वो उस नैरो पे चलती है, वहाँ पे जो ट्री बने हैं वो सबसे पहले फर्स्ट ट्री को पार करते हैं, फिर सेकंड को, एंड थर्ड पे वो पहुँचते हैं। जब वो थर्ड पे पहुँचते हैं तो वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, और वहाँ स्टॉप करके वहाँ सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर बत्तख कहती है, आई रिमेंबर रीडिंग सम वे, यानी मैंने जान लिया है कि ये क्या है। जब दो स्ट्रेट लाइंस रन साइड बाय साइड, दे सीम टू मीटर अ डिस्टेंस, यानी ये जो बना क्या हो रहा है, वो एक दूसरे पे डिस्टेंस पे मीट कर रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे वो मीट कर रहा है बार बार। तो क्या होता है, वो थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम टू बी ऑन द टायर्ड हियर। तो खरगोश क्या कहती है, ज़रूरी नहीं है तुम जो जैसा कह रही हो वैसा सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द डक क्विक्ड इन डिलाइट, सी टुक सम ट्विंग्स एंड मेड टू फिगर विच ऑफ टू लाइंस इन द सेंटर इज लॉन्गर, सी आस्क्ड। द वन एट द टॉप ऑफ कोर्स, सेड द हेयर लिटिल एनॉयड। व्हाट इफ आई से दे आर बोथ द सेम लेंथ, सेड द डक। सी वॉट यू वॉन्ट बट सींग इज बिलीविंग, ग्रम्बल्ड द हेयर। द डक लाफ्ड, आई कैन प्रूव यू रॉन्ग, सी सेड। सी पिक्ड अप द ट्विंग इन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट फिगर एंड प्लेस इट ऑन द ट्विंग एट द सेंटर ऑफ द सेकेंड फिगर। दे वर द सेम लेंथ। द हेयर स्टेड इन अमेजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर वॉट यू थिंक मे नॉट ऑलवेज बी राइट। अदर पीपल मे सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एंड दे मे बी राइट। क्या होता है, जो डक होती है तुरंत क्या करती है, एक टहनिया लाती है, और टहनिया से ये दो फिगर बनाती है, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, और वो सेंटर से उसे नापती है, टॉप से क्या करती है, नापती है। जब वो नाप लेती है तो वो कहती है, नहीं, ये जितने भी नैरो हैं ये सेम लेंथ के हैं, एंड ये आगे तक ऐसे ही सेम लेंथ के होंगे। बट जो खरगोश होती है वो कहती है, ऐसा नहीं है, जैसा तुम कह रही हो वैसा नहीं है, और ये जो भी नैरो हैं ये आगे जाके कहीं मीट करते होंगे, यानी मिलते होंगे। सो डक उसके ऊपर हंसने लगती है, और वो कहती है कि आई कैन प्रूव यू रॉन्ग, मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ कि तुम गलत हो।
फिर वो क्या थी, सी पिक्ड अप ट्विंग इन द सेंटर ऑफ द फर्स्ट फिगर। फिर वो अपना जो ट्विंग बनाई होती है टहनियों से, वो एक फर्स्ट फिगर पे रखती है, फिर उसके बाद वो सेकंड फिगर पे रखती है और फिर उसे दिखाती है कि देखो ये दोनों सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। और बत्तख जो है वो खरगोश से कहती है कि ज़रूरी नहीं है हमेशा सारे लोग राइट हों, ठीक है। इसलिए मतलब कुछ पीपल्स उसे अपने नज़रिया से देखते हैं, सो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा राइट हों। सो व्हाट डू वी लर्न पार्ट, थिंग्स मे नॉट ऑलवेज बी एज दे सेम टू अस, दे मे सेम टू बी डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट। यानी जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही है या सच्चाई ही है, ठीक है। इसलिए पहले हमें सच को जानना चाहिए, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। दे मे सीम टू बी डिफरेंट और डिफरेंट पीपल, वो डिफरेंट भी होते हैं एंड डिफरेंट अलग पीपल भी होते हैं। वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है। अगर हम किसी के बारे में देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही है, पहले हम उसको देखेंगे अच्छे से जानेंगे तो बताएंगे, ठीक है। सो ये आप अच्छे से लर्न करिएगा ये चैप्टर।